हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मन कुमार और अननोन फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूठे के बारे में कि कैसे अंगूठे में बनी कुछ रेखाएं हमारे जीवन के बारे में क्या बताती है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सभी को पता चले कि आपका अंगूठा आपके जीवन के बारे में क्या दर्शाता है। हथेली में रेखाओं के साथ ही उंगलियां और हथेली की बनावट का भी अध्ययन किया जाता है। अंगूठा भी स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई बातें बता सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा अंगूठा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ऊपर वाला है, उसके बाद दूसरा वाला एंड लास्ट वन तीसरा वाला। ये तीनों पार्ट लाइंस में डिवाइड रहते हैं। यदि पहला पार्ट ज्यादा लंबा हो तो व्यक्ति अच्छी इच्छा शक्ति वाला होता है, वह किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसे अंगूठे वाले लोग किसी भी काम को खुले मन के साथ करना ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें सक्सेस भी मिल जाती है। काम में सक्सेस के साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। जिनके अंगूठों के पहले पार्ट में सीधी लाइन हो, हिंदी में हम इसे कहते हैं आड़ी रेखाएं, तो व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भाग्य का साथ मिलता है। ऐसे लोगों को धन संबंधी कार्यों में भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के पहले पार्ट पर बहुत सी खड़ी लाइन होती है तो वह ईमानदार और भरोसेमंद होता है। जिन लोगों की हथेली में अंगूठे के पहले पार्ट पर तीन खड़ी लाइन होती है, उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों के हथेली में सामान्य से छोटे अंगूठा होता है, वे लोग कमजोर हो सकते हैं और ऐसे लोगों की काम करने की क्षमता भी कम होती है और हर काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं। इन्हें हम लेजी भी कह सकते हैं। जिन लोगों के अंगूठे पर पहले पार्ट पर क्रॉस का निशान होता है, वे बहुत खर्चीले होते हैं और ये लोग ज़्यादा खर्चे करते हैं और ये अपनी ज़िंदगी के खर्चे के कारण से बहुत परेशान भी रहते हैं। अगर अंगूठे के दूसरे पार्ट पर कोई गोलाकार निशान हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहस करने वाला होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पार्ट पर ट्रायंगल का निशान, हिंदी में हम इसे त्रिभुज बोलते हैं, वो और अगर ये अंगूठे के दूसरे पार्ट पर बना होता है तो व्यक्ति साइंस के क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पार्ट पर जाली का निशान बना हो तो व्यक्ति करैक्टरलेस माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग बेईमान भी हो सकते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जो लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं, उनका अंगूठा सुंदर होता है। ये लोग किसी भी काम को चतुराई के साथ करते हैं और लाभ भी कमाते हैं। जिस व्यक्ति का अंगूठा सामान्य से ज़्यादा लंबा और हथेली के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, इन लोगों के घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और ऐसे लोगों में शांति भी होती है। समाज के बीच घुल और ऐसे इंसान को आदर भी प्राप्त होता है। जो लोग अपनी दोनों हथेलियों के अंगूठे को उंगलियों में दबाकर रखते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग डरपोक होते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोगों को अपने काम पर भरोसा नहीं होता है। ये लोग हर काम को डर डर के करते हैं। इन्हें अपने किए हुए काम पर भी भरोसा नहीं होता है और ये बहुत डरते हैं कि हम सक्सेस होंगे या नहीं। पतले अंगूठे वाले लोग फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर के होते हैं, जबकि जिन लोगों के अंगूठे ज़्यादा मोटे होते हैं, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। अगर अंगूठे का दूसरा पार्ट ज़्यादा लंबा हो तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इन लोगों का दिमाग भी काफ़ी तेज चलता है। अपनी बुद्धि के बल पर इन्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। हथेली भारी और फैली हो, उंगलियां सॉफ्ट हो, ऐसी हथेली होने से बहुत धनवान होने का योग बनता है। ऐसे कुछ लोग जिनकी हथेली में अंगूठा और छोटा और सामान्य अंगूठे से ज़्यादा मोटा हो, तो ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला था। अंगूठे में बनी कुछ रेखाएँ हमारे भविष्य और जीवन की कुछ बातें बताती हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी बात आपके जीवन में है वो मुझे आप कमेंट बताएं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। मेरे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं।